सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं अरोमा स्टूडियो 23। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों। आपको ये स्पीकर में ही एक बिल्ट इन मोबाइल होल्डर मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपना मोबाइल जो है ईजिली इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉक्स पे इसके कुछ फीचर्स है दोस्तों। आपको इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट मिल जाएगा, USB एंड TF कार्ड का सपोर्ट मिलेगा। प्लेइंग टाइम इसका 6 आवर है, कंटिन्यूसली आप 6 आवर तक इसको प्ले कर सकते हैं। ब्लूटूथ है इसके अंदर, ऑक्स का सपोर्ट है, ऑक्स केबल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और FM भी आपको मिल जाएगा। और सब में खास बात, इसके अंदर आपको एक मोबाइल होल्डर मिलेगा। बॉक्स के पीछे के साइड ये स्पीकर के कुछ स्पेसिफिकेशन से आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। और ये सब कलर्स में आपको ये स्पीकर अवेलेबल है, आप कोई भी एक जो है ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा कलर है चेक कर लेंगे। तो बॉक्स को ओपन कीजिए। बॉक्स ओपन करने के बाद जो है दोस्तों, आपको एक केबल मिल जाएगा USB का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस केबल की मदद से आप अपने स्पीकर को जो है ईजिली चार्ज कर पाएंगे। तो उसके बाद ये है हमारा स्पीकर। हमारा जो स्पीकर है दोस्तों, ब्लैक कलर का है। ये देखिए स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी, इसका कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप इसका ओवरऑल जो लुक है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सही है दोस्तों, एवरेज है लुक। और स्पीकर के सामने के साइड इसकी जो ब्रांडिंग है अरोमा की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए इसकी कलर फिनिशिंग काफ़ी सही है दोस्तों, फुल टोटली ब्लैक कलर में है। और ऊपर के साइड इसके कुछ कंट्रोल बटन्स हैं। सबसे पहले आपको जो है दोस्तों, वॉल्यूम कंट्रोल बटन मिल जाएंगे, प्लस माइनस। सेंटर में जो बटन है वो प्ले पॉज बटन है। अगर आपका मोबाइल स्पीकर से कनेक्टेड है ब्लूटूथ के ज़रिए, तो आप अपना कॉल भी जो है वो बटन से रिसीव कर सकते हैं। म्यूट बटन भी है यहाँ पे, और एक ऑन ऑफ बटन भी है, और यहाँ पे एक LED इंडिकेटर भी है। और साथ ही साथ आपको एक एक बिल्ट इन वहाँ पे आपको माइक भी मिलेगा। अगर आप कॉल वगैरह रिसीव करते हैं तो उसके ज़रिए आप बात भी कर सकते हैं। ये है आपका मोबाइल होल्डर। अगर आप इसको ऊपर के साइड पुश करेंगे तो वही आपका जो है मोबाइल होल्डर बन जाएगा। आप यहाँ पर ईज़िली जो है आपका जो मोबाइल है माउंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप अपने वीडियोस वगैरह, म्यूज़िक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे के साइड आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, USB पोर्ट मिलेगा, और एक ऑक्स का जो पोर्ट है वो मिलेगा। आप अपने ऑक्स केबल को वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे पीछे के साइड आपको आपके स्पीकर को कैरी करने के लिए जो है आपको एक रबर ग्रिप है। आप इसकी मदद से आप अपना स्पीकर जो है ईजिली कैरी कर पाएंगे। और नीचे के साइड आपको एक रबर ग्रिप मिलेगी, जहाँ पर भी आप, अगर आप प्लेन सरफेस में रखेंगे, ग्लास पे रखेंगे, तो आपका जो स्पीकर है मूव नहीं करेगा, एकदम फिक्स बैठेगा। अब हम इसको जो है दोस्तों टर्न ऑन कर लेते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह टेस्ट करते हैं। अगर आप इसको टर्न ऑन करना है तो ये पावर बटन जो है, तो इसको थोड़ी देर होल्ड कीजिए, वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएगा। अब हम इसकी जो है साउंड क्वालिटी जो है टेस्ट कर लेते हैं। तो ये थी दोस्तों स्पीकर की साउंड क्वालिटी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मुझे तो इसकी साउंड क्वालिटी जो है दोस्तों एवरेज लगी, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, एवरेज है इसकी साउंड क्वालिटी। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए। ये था एक सिंपल सा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।